तो देश की पहले बीमारू राज्य के बारे में चर्चा होती थी, गुंडों के राज्य के बारे में चर्चा होती थी, अपराधियों के राज्य के बारे में चर्चा होती थी। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश में नंबर वन है। हमारे पास सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं, सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। हमारे पास 2,70,000 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, जिनसे आवागमन हमारा सुनिश्चित व्यवस्थित हुआ है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला स्टेट अगर कोई है तो आज उत्तर प्रदेश। बिजली के बारे में हम सब जानते हैं कि बैंक में 0 बैलेंस पर खाते क्यों खोले जा रहे हैं, लेकिन जब कोरोना महामारी का काल आया, गरीब का चूल्हा बंद हो, उनके बच्चों को दोनों टाइम रोटी मिले, आदरणीय प्रधानमंत्री ने हजार रुपए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार उसमें पैसे भेज करके गरीब के चूल्हे की आग को बुझने से बचाया और उनको बच्चों को 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने का काम किया। हम प्रदेश की पहले बीमारू राज्य के बारे में चर्चा होती थी, गुंडों के राज्य के बारे में चर्चा होती थी, अपराधियों के राज्य के बारे में चर्चा होती थी। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश में नंबर वन है। हमारे पास सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं, सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। हमारे पास 2,70,000 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, जिनसे आवागमन हमारा सुनिश्चित व्यवस्थित हुआ है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला स्टेट अगर कोई है तो आज उत्तर प्रदेश। बिजली के बारे में हम सब जानते हैं कि बैंक में 0 बैलेंस पर खाते क्यों खोले जा रहे हैं, लेकिन जब कोरोना महामारी का काल आया, गरीब का चूल्हा बंद हो, उनके बच्चों को दोनों टाइम रोटी मिले, आदरणीय प्रधानमंत्री ने हजार रुपए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार उसमें पैसे भेज करके गरीब के चूल्हे की आग को बुझने से बचाया और उनको बच्चों को 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने का काम किया। हम प्रदेश की पहले बीमारू राज्य के बारे में चर्चा होती थी, गुंडों के राज्य के बारे में चर्चा होती थी, अपराधियों के राज्य के बारे में चर्चा होती थी। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश में नंबर वन है। हमारे पास सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं, सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन से जोड़ने का काम किया गया है। हमारे पास 2,70,000 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, जिनसे आवागमन हमारा सुनिश्चित व्यवस्थित हुआ है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला स्टेट अगर कोई है तो आज उत्तर प्रदेश। बिजली के बारे में हम सब जानते हैं कि बैंक में 0 बैलेंस पर खाते क्यों खोले जा रहे हैं, लेकिन जब कोरोना महामारी का काल आया, गरीब का चूल्हा बंद हो, उनके बच्चों को दोनों टाइम रोटी मिले, आदरणीय प्रधानमंत्री ने हजार रुपए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार उसमें पैसे भेज करके गरीब के चूल्हे की आग को बुझने से बचाया और उनको बच्चों को 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने का काम किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।